लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो मामले में झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी एक दूसरे पर टिकरा फोड़ने में लगे हैं। सहायक जेल आईजी का कहना है कि लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग बिल्डिंग में रखा गया था, उसके बाद कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। अभी अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि कैदी को कहाँ रखा जाए। जेल मैनुअल के नियम जेल पर लागू होते हैं जी। अभी वो पुलिस कस्टडी में है, अभी वो जेल की कस्टडी में नहीं है। उन मतलब जुडिशियल कस्टडी में तो है, लेकिन अभी जेल प्रीमिसेस में नहीं है, अभी हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में पुलिस मैनुअल में देखिएगा कि कस्टडी का दायित्व तो जो स्क्वाड पार्टी होती है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो होता है, उसको तय करना है। और उसके अलावे जेल मैनुअल और पुलिस मैनुअल के अलावे स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, उसके अनुसार रखा जाता है। तो अब उसमें वायलेशन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो ये तो देखना जो ऑफिसर इंचार्ज है उनका काम है। प्रकरण हम लोग के समक्ष आया है तो हमारे कारा महानिरीक्षक महोदय द्वारा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए हैं कि जो ऑडियो क्लिप जो टेलीविज़न में जो दिखाया जा रहा है उस संदर्भ में वो जांच करके दें। क्योंकि देखिए अभी मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है, वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है जिसके अंतर्गत वहाँ कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहाँ जो ऑफिसर इंचार्ज है जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है उसका होता है। पूरी की पूरी कस्टडी कस्टोडियल अथॉरिटी उनके पास होती है, वो इसको डिसाइड करें। और जहाँ तक बंदी से मिलने का प्रश्न है तो उसके लिए जो जेल मैनुअल में नियम है जेल सुपरिंटेंडेंट ऑथराइज होते हैं ये कौन बंदी उनसे सप्ते में एक बार जाकर मिलेगा। तो इसमें चूंकि हम लोग इस विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक जांच रिपोर्ट हम लोग के पास आती नहीं है कि वो ऑडियो क्लिप कहाँ तक सही है। और मतलब जब उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाएगा उसके बाद उस रिपोर्ट के अनुसार जो आपसे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं रांची के उपायुक्त ने पूरे मामले को जेल प्रशासन की तरफ ढकेल दिया है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर जेल अधीक्षक को इस मामले की जांच और दोषियों की जवाबदेही तय करते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। जेल अधीक्षक है काराधीक्षक, उनसे हमने कारण शिक्षा की और 24 घंटे में हमने उनसे पूरी तथ्यों की जांच एवं जवाबदेही चिन्हित करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगा है। सर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिप्यूट किए थे और बाकी वो जो पूरा जेल वो पूरा हॉस्पिटल हुआ वो जेल सुप्रीमेंट के अधीन ही एस टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल भरने के हिसाब से कार्रवाई की जाए। बता दें कि जेल आईजी ने डीसी और एसपी से 2 दिन के अंतर जांच प्रतिवेदन मांगा है। कारा निरीक्षणालय के आदेश का सख्ती से पालन का निर्देश जेल आईजी ने दिया है। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।